नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आप देख रहे हैं कि लगातार चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खुले हुए हैं और बीजेपी ये आश्वासन दे रही है कि नीतीश कुमार के लीडरशिप में ही बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। लेकिन इस आश्वासन में बहुत ज़्यादा दम नहीं है, क्योंकि बीजेपी नीतीश कुमार के नाम पर नहीं, मोदी के नाम पर वोट मांगने की तैयारी कर रही है। ये बहुत खास खबर है, ध्यान फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा कि बीजेपी ये आश्वासन देती रहती है कि नीतीश कुमार के चेहरे को आगे करके ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन बीजेपी को नीतीश कुमार पर कितना भरोसा है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार के चेहरे की जगह पर मोदी के चेहरे पर वोट मांगने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोरोना काल में अच्छा काम का श्रेय देने के बजाय बीजेपी सारा श्रेय मोदी को दे रही है। बीजेपी का कहना है कि मोदी की वजह से ही बिहार के अस्पतालों में चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था हुई है, यानी बहुत अहम रोल मोदी ने बिहार में कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए, इलाज के लिए निभाया है। और बीजेपी के पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया गया है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि बीजेपी के चेहरा मोदी होंगे, न कि नीतीश कुमार। बीजेपी का जो ट्वीट है उस पर गौर फरमाइए। जीतेगा बिहार, हारेगा कोरोना। एनडीए सरकार हर स्तर पर इस महामारी से निपटने में लगी है। मोदी है तो भरोसा है, मोदी है तो भरोसा है। नीतीश कुमार का नाम भी बीजेपी नहीं ले रही है कि नीतीश है तो भरोसा है, मोदी है तो भरोसा है। तो एक बड़ा सवाल है कि आखिर बीजेपी क्यों मोदी के नाम पर बिहार में वोट मांगना चाहती है, क्यों नीतीश कुमार के चेहरे पर उसको भरोसा नहीं है। और चिराग पासवान तो लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, और अब तो चिराग पासवान बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी को जेडीयू से ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए, लोकसभा चुनाव में जो जीत हुई थी उसको आधार बनाकर सीटों का बंटवारा होना चाहिए। चिराग पासवान फार्मूला दे चुके हैं बीजेपी के सामने कि आप 101 सीटों पर चुनाव लड़िए, यानी बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़े, जेडीयू 96 सीटों पर, और बाकी सीटें चिराग पासवान को मिल जानी चाहिए। तो जाहिर है कि चिराग पासवान बीजेपी को भरोसे में लेकर लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं, और अब तो नीतीश कुमार के चेहरे की जगह बीजेपी ने भी मोदी के चेहरे पर वोट मांगने की तैयारी शुरू कर ली है। तो मानकर चलिए कि इस बार बीजेपी मोदी को आगे करके वोट मांगेगी। बिहार बीजेपी ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट से ये बात साफ हो गई है। कोरोना महामारी के बीच पीएमसीएच की बदहाल हालत किसी से छिपी हुई नहीं है, लेकिन पीएमसीएच में जो सुविधाएं मुहैया कराई गई उसका श्रेय अब बीजेपी मोदी सरकार को दे रही है। इस ट्वीट में बाकायदा पीएमसीएच में मिलने वाली सुविधाओं को गिनाया गया है, लेकिन इस पूरे मामले में बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार का नाम तक भी नहीं लिया है। तो जाहिर है कि पीएम मोदी की तस्वीर के साथ पीएमसीएच की सुविधाओं को दिखाने का मतलब है कि बीजेपी मोदी के चेहरे पर वोट मांगेगी। इधर जेडीयू ने अपनी चुनावी रणनीति में लगातार सीएम नीतीश के किए गए काम को आगे रख रही है। जेडीयू की कोशिश है कि नीतीश कुमार के कामकाज के आधार पर जनता के बीच जाया जाएगा और वोट मांगा जाएगा, लेकिन बीजेपी तो मोदी के नाम पर वोट मांगने की तैयारी में जुटी है। ऐसे में बीजेपी का ये नया दांव किस समीकरण की ओर संकेत करता है, ये जानने के लिए आपको एक दो सप्ताह इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सितंबर में 15 के बाद कभी भी चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है, चुनावी डुबडुबी बच सकती है, और उसके बाद बीजेपी अपना पत्ता खोलेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोगों की समझ में आए कि चिराग पासवान के नीतीश विरोध का मकसद क्या है और बीजेपी की चुनावी रणनीति क्या है। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन सिटी पोस्ट की टीम के हौसला बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है।